بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم dear friends, welcome back to all of you in another video. आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इस प्रॉब्लम में हमें टू टर्म्स बताई गई हैं. फिफ्थ टर्म हमारे पास है 162 एंड द एट टर्म इज 4374. और हम लोग ने फाइंड करके देनी है सबसे पहले कॉमन रेशो, देन फर्स्ट टर्म, टेंथ टर्म. Which term is 131 22 and the sum of first 10th terms. Let's start. सबसे पहले आप लोगों ने कैलकुलेटर में मॉड की को प्रेस करना होगा. उसके बाद थ्री नंबर स्टैटिस्टिक्स और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने सिक्स की प्रेस करनी होगी. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व करने के लिए टू की आप लोगों ने प्रेस की थी, जबकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए सिक्स की प्रेस करेंगे. और अपने कैलकुलेटर को कोई सी भी दो ज्योमेट्रिक टर्म्स आप लोगों ने बता देनी है. जैसे कि हमारे पास अगर फिफ्थ टर्म है तो एक्स के कॉलम में आपने नंबर ऑफ टर्म्स फिफ्थ एंड एट, जबकि वाई के कॉलम में आप लोगों ने वैल्यू ऑफ टर्म्स को जाके पुट करना है. फिफ्थ टर्म इज 162 एंड द एट्थ टर्म इज 4374 इज इक्वल. उसके बाद आपने एसी की प्रेस कर देनी है. अब कॉमन रेशियो अगर आप लोगों ने फाइंड करनी हो तो शिफ्ट 1 5 की प्रेस करेंगे और 2 की प्रेस करेंगे. ये 2 की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए हमारे पास कॉमन रेशियो की वैल्यू बन जाती है एंड द कॉमन रेशियो इज 3. यहां पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 3. नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट टर्म फाइंड करना. तो फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हम लोग शिफ्ट 1 और 5 की प्रेस करने के बाद टर्म्स हमारे पास फिफ्थ नंबर y में मौजूद होती हैं 5 की प्रेस की. उसके बाद जो भी टर्म आप लोगों ने फाइंड करनी है y से पहले उस टर्म का नंबर लिख लिया करें. जैसे फर्स्ट के लिए आप 1 पुट करें तो यहां से आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी. इसी तरह से सी ऑप्शन में आप लोगों ने बताना है टेंथ टर्म, तो y से पहले आपने 10 पुट कर देना है इज इक्वल टू. तो हमारे पास टेंथ टर्म होगी 3936. और जब आप लोगों को टर्म गिवन हो और आप लोगों ने नंबर ऑफ टर्म बताना हो तो उसके लिए शिफ्ट 1 5 और आप लोगों ने 4 की प्रेस करनी है. अब यहां पर आप लोगों ने वो टर्म पुट कर देनी है जो आपको क्वेश्चन में गिवन हो. इज इक्वल टू करेंगे तो हमारे पास नाइन्थ टर्म 131 22 के इक्वल होगी. और सम फाइंड करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले सम का साइन लेकर आना है. शिफ्ट लॉक की प्रेस करके सम का साइन आ जाएगा. उसके बाद आप लोगों ने अल्फा और ब्रैकेट क्लोज की प्रेस करके एक्स लेकर आना है. फिर वैल्यूज वाई के कॉलम में मौजूद थी जिनका हम लोगों ने सम फाइंड करना है, तो शिफ्ट 1, उसके बाद आप लोग जाएंगे 5 की प्रेस करेंगे और यहां से वाई के लिए 5 की प्रेस की. फिर आपने कोमा अप्लाई कर देना है शिफ्ट एंड ब्रैकेट क्लोज के साथ. फर्स्ट टर्म से लेकर शिफ्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, एक मतलब फिर से कोमा आ जाएगा. और टेंथ टर्म तक का सम फाइंड करना है तो यहां पर आपने 10 पुट करके ब्रैकेट क्लोज कर देनी है एंड इज इक्वल टू. तो हमारे पास हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टेंथ टर्म्स का सम 59048. That's all for today. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.